और कोसेक एक्स भी कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया कि पॉसिबल नहीं है। डैश का मतलब यह है कि होता है, बताएंगे बाद में जब हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तब बताएंगे, अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए ज्यादा हमने नहीं बताया। तो हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, क्वाड्रेंट रूल पे पढ़ते हैं आके, हम लोग क्वाड्रेंट रूल पढ़ रहे हैं। ये बार लिख लो सबको ही, सबको लिख लो एक बार, आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वाड्रेंट रूल पे थे, वो लिख लिए थे ना बेटा, क्यों बच्चों वो लिख लिए थे ना भैया, अफर्म करो आगे बढ़े, कंफर्म करो आगे बढ़े। यस सर। अच्छा चलो ठीक, हम लोग क्वाड्रेंट रूल पढ़ रहे थे यार। तो सेकेंड क्वाड्रेंट रूल पे थे हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट रूल हो गया था ना, थर्ड और फोर्थ बचा था ना शायद, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा हम लोग कर लिए थे शायद, क्यों भैया जल्दी बोल यार, है ना, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा कल किए थे कि नहीं किए थे। एनीवन, निखिल बेटा पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक थे, अवंतिका देख के बताओ। सर सेकेंड तक हो गया था, तो थर्ड क्वाड्रेंट रूल पे आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट रूल मतलब ये वाला। देखो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई घूम जाओ थोड़ा सा और घूम जाओ, मतलब पाई प्लस थीटा या अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और थर्ड क्वाड्रेंट में रहने का एक तरीका और है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहने का, सेकंड क्वाड्रेंट तक हो गया था। हाँ अवंतिका ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो या तो हम पाई प्लस थीटा पे आ जाए या यहां से हल्का सा कम रहे, तो ये कितना है 3π/2 माइनस थीटा, π/2 2π/2 3π/2 से हल्का सा कम। तो दो तरीके से हम रह सकते हैं क्वाड्रेंट के बारे में हम जानने जा रहे हैं, और ये हम हटा रहे हैं। ठीक है एक मिनट, तो हम लोग जो है थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट कर रहे हैं, चलिए फिर ओके। तो एक क्या है थर्ड क्वाड्रेंट रूल पार्ट ए, थर्ड क्वाड्रेंट रूल पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है कि पाई प्लस थीटा, पार्ट बी में 3π/2 माइनस थीटा, इन दोनों ही केस में हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। अच्छा तो आइए साइन पाई प्लस थीटा, देखो हमने कहा था जब भी एक्स एक्सिस पे ऑपरेशन होगा
मतलब जब भी आपका ये क्या होता है, आपका होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये लाइन क्या होता है आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई, हम लोग जाने थे 0, 2 पाई के बारे में घूमो 4 पाई 8 पाई ऐसे घूमते रहते हैं। ऊपर वाला क्या है आपका, ये वाई एक्सिस है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऊपर वाला 4n + 1π/2, नीचे वाला 4n - 1π/2, ये सब बातें हम लोग जान चुके थे, ठीक है। बाकी हम वीडियोस भेज देंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो देख लेंगे, जान जाएंगे। तो वाई एक्सिस पे पाई बाई टू का मल्टीपल आता है और एक्स एक्सिस पे पाई का मल्टीपल आता है। जब भी ऑपरेशन एक्स एक्सिस पे होता है मतलब पाई के मल्टीपल के अंतर्गत होता है, तो फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन जब भी वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे ऑपरेशन होता है मतलब पाई बाई टू, 3π/2, प्लस माइनस थीटा कुछ भी, वहाँ पे साइन और कॉस, कॉस का साइन, जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे 90 + थीटा, तो साइन 90 + थीटा, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो 90 क्या था पाई बाई टू। जब भी पाई बाई टू या 3π/2, 5π/2, जब भी ऑड मल्टीपल पाई बाई टू के इर्द गिर्द ऑपरेशन लगाओगे प्लस माइनस थीटा का, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का टेन, टेन का कॉट, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक बदल जाता है। तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, हालांकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में खाली टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, टेन थीटा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन तो पॉजिटिव ही होता है, कॉट पाई प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा भी होगा, सेक पाई प्लस थीटा, sec pi plus theta minus sec theta, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव और cosec भी नेगेटिव, तो cosec pi plus theta minus cosec theta हो जाएगा, ठीक है, फटाफट लिखो। जरा एक मिनट दे रहा हूं, 3π/2 - थीटा जरा खुद से लिख के देखो कितना आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सब कोई खुद से लिखो, यहां पे कन्वर्ट होगा फंक्शन एक दूसरे में। हम कह रहे हैं ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट छोड़ दो, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए पाई प्लस थीटा पे सभी माइनस माइनस हो गए, ठीक है। पाई बाई टू पे जब ऑपरेशन होगा तो साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, जैसे साइन 90 + थीटा या पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस थीटा कॉस बन जाता है। पाई बाई टू पे जब भी ऑपरेशन होता है, हमने बताया था पिछली क्लास में, y एक्सिस पे ऑपरेशन जब भी करोगे तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, ऐसे ही टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो 3π/2 मतलब पाई बाई टू का मल्टीपल है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी तो नेगेटिव होगा। जरा बुद्धि लगाओ, देखो हो पा रहा है क्या, एक मिनट में करो, बाकी मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड अवंतिका बेटा, बाकी फैजान, कनिष्क, निखिल, ट्राई करो बेटा।
आइए देखते हैं। देखो तो साइन थ्री बाय पाई बाय टू माइनस थीटा, ऑपरेशन चूंकि पाई बाय टू पे हो रहा है तो साइन का बन जाएगा कॉस, साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा डिपेंड करेगा थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस हो जाएगा, कॉस थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा। ऑपरेशन चूंकि पाई बाय टू पे हो रहा है, पाई बाय टू के मल्टीपल पे हो रहा है तो कॉस बन जाएगा साइन, कॉस बन जाएगा साइन। अब प्लस होगा कि माइनस होगा डिपेंड करेगा कि थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा कहाँ पे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, टेन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा ये वो कॉट थीटा हो जाएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा ये क्या जाएगा आपका कॉट टेन बन जाएगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कॉट भी पॉजिटिव होता है, सेक थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा तो सेक बन जाएगा कोसेक, पाई बाय टू का ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है इसलिए आंसर माइनस आएगा। कोसेक बन जाएगा सेक, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा। तो कितने लोग का बिल्कुल सही है फॉर्मूला, कितने लोगों ने लिखा है और बिल्कुल सही सही है। कनिष्ठ अवंतिका निखिल, निखिल का सही है, बहुत बढ़िया। अवंतिका गलत हो गया क्या, कनिष्ठ पहचान ट्राई नहीं किया, कुछ ट्राई करो ऐसे ही, मैं समझ रहा हूँ अभी क्योंकि चीजें थोड़ा क्लियर कम है। सर पूरा सही है, अरे वाह बहुत बढ़िया, मेरा भी सही है सर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने फटाफट जान लिया, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब, अब देखो ये क्या है, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाय टू से आगे आ जाए मतलब थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा कर दें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, या पूरा घूम जाए टू पाई से हल्का सा कम रहे तो टू पाई माइनस थीटा भी क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट दो तरीके से होगा, क्या होगा, एक एक आपका होगा टू पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा या हो जाएगा थ्री पाई टू प्लस थीटा, है ना, ये भी कर देंगे तो काम बन जाएगा। माइनस सेक होगा कहाँ पे, हाँ कनिष्क क्या है सर, तीन सही था, अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं गुड। कनिष्क ये माइनस सेक होगा मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो समय कम है, तो हम फिर से लिख रहे हैं। देखो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट टू आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट टू, फोर्थ क्वाड्रेंट टू, फोर्थ क्वाड्रेंट टू, ये ए और ये बी, ये क्या आपका थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, या टू पाई में से हल्का सा कम रहेंगे तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थ्री पाई टू प्लस थीटा जब प्लस करोगे ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, पाई बाई टू पे हो रहा है, तो साइन का कॉस बन जाएगा, साइन का कॉस बन ही जाएगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आंसर माइनस रहेगा, ये ठीक है। कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा जब प्लस कर देंगे तो कॉस का साइन तो बन जाएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस पॉजिटिव होता है तो आंसर आ जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस का आउटपुट पॉजिटिव होना है। ऐसे ही थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा अगर यहाँ लगा दें टेन पे तो कॉट बन जाएगा लेकिन नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, ऐसे ही है माइनस टेन थीटा सेक प्लस कोसेक थीटा होगा, क्योंकि सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑपरेशन थ्री पाई बाई टू पे हो रहा है इसलिए सब फंक्शन एक दूसरे में इंटरचेंज जा रहे हैं, कोसेक बन जाएगा सेक लेकिन माइनस के साथ बनेगा, ये ठीक है। हाँ तो दिस इज योर थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा का फॉर्मूला। अच्छा टू पाई माइनस थीटा यहाँ पे क्या होगा आपका, टू पाई माइनस थीटा ये हम लोग फिर से लिख दे रहे हैं, तो साइन टू पाई माइनस थीटा, अब चूंकि पाई पे ऑपरेशन हो रहा है, पाई बाई टू पे हो नहीं रहा है, पाई पे ऑपरेशन हो रहा है तो फंक्शन नहीं बदलेगा,
फंक्शन वही रहेगा, बस फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन नेगेटिव होता है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, टेन 2 पाई माइनस थीटा, यह हो जाएगा माइनस टेन थीटा, क्यों, क्योंकि टेन नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे ही कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा बेटा, ऐसे ही सेक 2 पाई माइनस थीटा, ये प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, इसी के बाद एक खेल और होता है, अब इसमें घूमते रहो, मान लो कोई ये कह दे, कहानी देखो, कहानी देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए तो था ही, आपको ये कह दे कि 2 पाई तो घूम गया, 2 पाई से ऊपर आ जाओ, मतलब 2 पाई प्लस थीटा, ये फिर से आ जाएंगे कहां पे, हम फिर से आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर से आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और यही खेल चलता रहेगा। अब इसके बाद कोई अगर यहां तक आ जाए तो पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, ऐसे ही फाइव पाई बाई टू हो जाएगा, तो फाइव बाई पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ गए, इस तरह से घूमता रहता है प्लस थीटा माइनस थीटा पे, और जब भी ऑपरेशन पाई बाई टू वाले पे होगा तो वही खेल खेलना है, साइन कॉस कॉस का साइन, और क्वाड्रेंट देखते हुए प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। जब भी पाई पे ऑपरेशन होगा, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई प्लस थीटा, या मान लो टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, खाली साइन प्लस या माइनस होगा, डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है भैया। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ, मान लो टू पाई प्लस थीटा हो जाए तो ये आपका फिर से बन जाएगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका बन जाएगा भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा टू पाई प्लस थीटा। तो यहाँ अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो टू पाई प्लस थीटा का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होंगे, टू पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यही खेल चलता रहता है, यही खेल भैया आपका चलता रहता है, ठीक है, टू पाई प्लस थीटा का यही खेल चलता रहता है। हम लोगों ने आज क्वाड्रेंट रूल कुछ फॉर्मूले जाने हैं, और इस फॉर्मूले को जितना हमने पढ़ाया आज तक, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी जस्ट स्टार्ट ही की है, लेकिन लगभग लगभग 8-10 लेक्चर हो चुका होगा मेरे ख्याल से, काफी बेसिक्स पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं भैया, हम लोगों ने बहुत बेसिक्स कवर किए हैं। आपसे अनुरोध है हमारा सारे बच्चों से, ट्रस्ट मी कि आप बहुत अलग पढ़ रहे हो, पहली बात है समझो, ट्रस्ट मी कि आप बिल्कुल अलग पढ़ रहे हो, आप बहुत मजेदार पढ़ रहे हो, आने वाले 1-2 महीने में देखना तो आपके कंपेरेबल आपके साथ ही नहीं होंगे, आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, लेकिन आप और हमारा साथ बना रहना चाहिए, ताल्लुकात बने रहे, जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना करो, ज्यादा मत करो, जितना मैं कह रहा हूँ ना बस उतना ही पढ़ो, बता रहे हैं बहुत मजा आएगा, स्टार्टिंग में पेन होगा क्योंकि भाई गहराई में पढ़ रहे हैं, जितनी गहराई खोदोगे उतना मेहनत लगता है ना भैया, है कि नहीं, तो गहराई में पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो मेहनत तो लगेगा, डरो नहीं, हमसे एक एक चीज पूछो, जितनी बार पूछते हो तुम देखते हो कि मैं हमेशा उसको दोहराता हूँ, बताता हूँ, ठीक है, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि हमसे आप सवाल 20 बार पूछ सकते हो, 100 बार पूछ सकते हो, मैं ऐसा बनता हूँ, मैं बताता ही हूँ, टेंशन की बात ही नहीं, और उसी तर्ज पे उसी लहजे से बताता हूँ, बिल्कुल भी ऊपर नीचे फ्रस्ट्रेशन नहीं, हाँ आप हमारे बच्चे हो, नंबर एक। दूसरी बात, जितनी दिक्कतें हैं वो पूछो, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक आप पूछते रहिए, जितना पढ़ा दिया हूँ ईमानदारी से प्लीज पूरा रिवाइज कर जाओ। फैजान तुम नए हो बेटा, तुमको एक काम करूंगा मैं, तुमको मैं अपना लेक्चर दे देता हूँ, बैठ के आराम से, जैसे सीरीज देखते हो ना, सीरीज देखते हो ना नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे, वैसे ही बैठ के पूरी सीरीज देख जाओ, ठीक है, और सबके नोट्स बनाओ, जो दिक्कतें आ रही हैं वो पूछिए, ठीक है, बैच ऑन डिमांड में सब लोग ऐड कर दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है, तो उसमें रिकवरी चलता रहेगा, वो भी क्लास करते रहो, वो क्लास होती है 3-4 दोपहर में, 3-4 दोपहर में, हर दिन नहीं होता है, 4 दिन क्लास है पूरे हफ्ते में, हाँ तो वो भी ज्वाइन करो, हाँ कोई इशू नहीं है, वहां से हम लोग बैकअप लेते रहेंगे और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग को आज मैं शुक्रिया कहता हूँ, और सभी लोग को गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, अपने अपने साथियों को कहिए कि चलें, ठीक है, इस संख्या को बढ़ाइए, संख्या को बढ़ाइए आप लोग, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड कर रहा हूँ मीटिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।